आज आइलैंड पर सब स्टैचू स्टैचू गेम खेल रहे हैं। मैं जैसे ही पीट तुम्हारी तरफ करूंगी, तुम गेम शुरू कर देना। ओए हल्ला पाटी, अपने हाथ में रहो। स्टैचू, अभी इस स्मार्टी का स्मार्टनेस निकालता हूँ। मुन्ने तुम तो हिल गए, तुम गेम से आउट होते हो। तुम लोग ना बहुत चीटिंग करते हो। रोज लोग कहीं के, अब तो गेम भी मेरा और जीत भी मेरी। ओए शार्को, तुम तो जीत गए, ये रहा तुम्हारा इनाम। शार्को के लिए इससे बेशकीमती इनाम और हो ही नहीं सकता। खुशी के मारे शार्को के पांव अब जमीन पर नहीं रुक रहे हैं। अच्छा है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। अब मैडम जी आपकी बारी। ओए ये बेकार के लोग यहाँ कैसे आ गए? हेलो शार्को दी ग्रेट, हम भी हैं इस खेल में। नाउ मैडम जी की वजह से इसे खेलना ही पड़ेगा। गेट सेट पो। मैं बनाऊंगा मरीना को अपना खाना। अरे कहाँ जा रही हो, मेरे लिए तो रुको। स्टैचू, ये क्या बकवास है यार। जेक अपनी जगह से हिला और ये आउट हो गया। मैं तुम्हें देख लूंगा शार्को। स्टैचू, ओए अब तो ये तीनों यही खड़े हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे कितना शरीफ कब से बन गया, लगता मुझे ही जाके दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। ओए ये तो स्टैचू वाले गेम में असली वाला स्टैचू रख के भाग गया। शार्को तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बाय बाय शार्को। बाय बाय शार्को, मैं फिर आऊंगा। ओए रुक जा, अपने इस डमी को भी अपने साथ लेता जा। गेट सेट पो। मरीना, इस वैक्यूम क्लीनर से तुम मेरे पास खुद खींची चली आओगी यार। क्योंकि ये क्या हो रहा है, मैं आगे जाने की बजाय पीछे जा रही हूँ। शार्को कुछ करो। लगता है मुझे अपने दिमाग पर जोर डाल के अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आगे ही बढ़ती जा रही है, मैं इस मशीन का स्पीड बढ़ा देता हूँ। ये क्या हो रहा है, जरूर जिद नहीं फिर से अपनी घटिया चाल चली होगी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या हो गया यार, सॉरी शार्को, गलती से गलत निशाना लग गया। लाओ यार तुम्हारा 2.5 किलो का हाथ, मैं खुद ही अपने आप को मार लेता हूँ। ये देखो अब तो खुश। शार्को शायद तुम्हें पता नहीं, डॉगी की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन मैं कभी सीधा नहीं हो सकता यार। मरीना मैं आ रहा हूँ, बस और थोड़ी सी दूरी और मरीना हो जाएगी मेरी। मरीना आगे ही बढ़ते जा रही है, कहीं मेरे हाथ से मरीना छूट ना जाए। मरीना हो। शार्को मैं जीत गई। अगली बार मैं जीतूंगा। वाह मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया, आपको इनाम देना पड़ेगा। अब तुम खेलना। इसे ऐसी हालत में देखकर बंदर भी शर्मा जाए। दोस्तों गेम शुरू करो। तीनों का गेम एक लेकिन मकसद अलग अलग है। जिसको मरीना को खाना है, सर्किट को खेल जीतना है और शार्को को मरीना का दिल जीतना है। देखते हैं किसका मकसद पूरा होता है। Get set, go! सर्किट तो अंडे में ही रहना यार। भाई बोलो तो, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन स्नेल। जीत तो मेरी हुई भाई।
ओए बहुत उछल कूद कर रहा है ना, चल जा यहाँ से। Get set post, tattoo. Marina. Get set post, tattoo. यहाँ तुम्हारे पीठ पीछे कुछ अलग ही खेल चल रहा है। Yuki, कोई आउट नहीं हुआ। ऐसे खेलते हैं। Zig, तेरे चक्कर में मैं हार जाऊंगा। तुमने मेरे मुंह का निवाला छीना है। मैं तुम्हें जीत नहीं दूंगा यार। कहीं तुम दोनों की लड़ाई में तीसरा इनाम न ले जाए। Tattoo. ओए, ये सर्किट का बच्चा हमसे आगे कैसे जा सकता है? बड़े होशियार बनते हो ना, चलो जाओ पीछे। बोला तो मेरी हार तुम दोनों को महंगी पड़ेगी। चला था मुरारी हीरो बनने। शार को अगर मेरे दोस्त को मैंने आगे नहीं बढ़ने दिया तो तुम तो मेरे दुश्मन हो यार। ओए सिंह, लगता है तुझे तेरी ही लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। अरे एक दूसरे को लात मारना बंद करो, वरना अपने ही जाल में फंस जाओगे। ले लो, फंस गए। देखते हैं इनकी लंबी जबान आज इन्हें जीत के पास ले जाती है या नहीं। मैंने पहले ही कहा था, दोनों का झगड़ा में बाजी कोई तीसरा ही ले जाएगा। अरे वाह सर्किट, तुम तो उस्ताद निकले। अब ये लो तुम्हारा इनाम। बोले तो ऐसे प्यारे और कीमती इनाम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। खुशी के मारे इसके पाँव भी जमीन पर नहीं रुक रहे हैं। ऐसा ही होता है जब हद से ज्यादा खुशी मिलती है। ओ जिग, अगर आज मैंने तुझे तेरी मुंह बोली नानी याद नहीं दिलाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। शेरको, अब तुम्हें नाम बदलने की जरूरत नहीं है यार। भाई बोलो तो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। भाई बाय बाय सर्किट। भाई ये क्या हो गया, अब मैं नए नए आइडियाज ढूंढ के किसको दूंगा? हालात कैसे भी हो, जिग अपना गोल कभी नहीं भूलता और शेरको उसका निशाना कभी नहीं चूकता। मैडम जी आप रुकिए, मैं जिग की मदद से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। ये कैसी आवाज थी? लगता है वहाँ कोई है। पहले से ही मेरी हवा टाइट है, ऊपर से मैडम जी और डरा रही हैं। मुझे ये मिस्ट्री सुलझाने में बड़ा मजा आएगा। मैडम जी रुक जाओ, इस तरह मुझे अकेले छोड़ के कहीं मत जाओ। तुम आ गए शार्को, चलो चलते हैं। यहाँ सर्किट ने इन तीनों के लिए सर्चिंग मिशन स्टार्ट कर दिया है। धरती का बोझ, खजाना कुछ काम का नहीं, बेवकूफी की दुकान तो अंदर ही ठीक है। मेरी डरावनी शक्ल देखकर मुझे तो मजा आ गया। मेरे जैसी भयानक शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी यार। मुझे कार्टून पसंद नहीं। ओए मेरी गर्दन, आलतू जलालतू आई बला को भगा दो। Yuki, इन क्रिस्टल में मैं खूबसूरत लग रही हूँ। मैडम जी मुझे अकेला मत छोड़ो। शेरको, तेरे डर के आगे मेरी जीत है, तू तो अब गया काम से। अब देखना मैं तुम्हारा पत्ता कैसे काटता हूँ यार। जग, जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं उस जाल में वो खुद ही फंस जाते हैं। कौन है? शेरको, वहाँ कोई है, चलो उसे ढूंढते हैं। अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये जगह कितनी खूबसूरत है। ये क्या, कदम रखते ही जमीन फट गई। ओए, ये तो आग का कुआं है, मेरे पीछे कोई है। ओए, आगे आग का कुआं, पीछे शैतान। जान हथेली पर लेके भागना ही पड़ेगा। आज पता चला डर के आगे जीत कैसी होती है। शाबाश शेरको, तुम सच में हीरो हो। शेरको के बच्चे बड़ा हीरो बना फिर रहा है, अभी तुझे बनाता हूँ हीरो से जीरो। शेरको, ऐसे कब तक लटके रहोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लो,
इसने फिर अपने लिए गड्ढा खोद लिया। बाल बाल बच गया। बचाओ, मेरे बैक साइड का नक्शा ही चेंज हो गया है यार। बोले तो सिग्नल तो यही का मिल रहा है। कैसो भाई, बोले तो फिर से रॉन्ग डायरेक्शन। काश मैं अपनी वर्टिगो की गोलियां साथ ले आता। अरे शार्कू आ जाओ ना। शार्कू डर के मारे वाइब्रेशन मोड पर चला गया है। मरीना तो आगे चली गई। शार्को, जब तक तुम वाइब्रेशन मोड से नॉर्मल मोड पर आओगे तब तक मेरा काम हो जाएगा यार। ओए रुक, अगर मैं नीचे गिर गया ना तो मेरी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। ओए बचाओ पापा। इसे ही कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। ओए, अब जब पूरा लटक ही गए हैं तो मुंह लटकाने से क्या फायदा। दिमाग कहता है मरीना को खाओ, लेकिन पहले शार को तुम नीचे जाओ। अब ये नीचे से सीधा ऊपर चला जाएगा यार। जग, तेरा बैड लक ही खराब है, इसलिए मरीना को खाने की मत कर जग। सुना जग? ओए जग, ये ले तेरी उंगली, साथ में मेरा मुक्का फ्री। तुमने मेरे अंदर के शेर को जगाकर अपने लिए मुसीबत बुला ली है यार। पहले जाके मुंह धो क्या। लेकिन तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे है? बचाओ मैडम जी, हम नीचे गिरने वाले हैं। मैडम जी अपना ख्याल रखना, इस भुखर सिंह से दूर रहना। बोलो तो मैंने अबला भी शार्को की आवाज सुनी। वो चलो यहाँ पर खोदो। मैडम जी अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे जाने के बाद आप किसके साथ टेनिस खेलोगे? अब मेरे बिना तो क्या होगा मैडम जी। मैडम जी। शार्को जरा यहाँ तो देखो। हम सब ठीक हैं, हो गई तसल्ली? यस आई एम ओके। यूकी, ये बाजा तो मैंने कहीं सुना है। कहीं तूफान के आने से पहले का सन्नाटा तो नहीं? ये तो डब्लू है, मेरे बचपन का दोस्त। मैडम जी, ये तो छोटा सा नन्हा सा पिद्दीसा खेकड़ा है। मरीना, इसे देख के कुछ याद आया? आया? ओह, इसे तुमने अब तक संभाल कर रखा है। बचपन में मैं इसी जगह पर खेल रही थी और फिर। मरीना, अपना हाथ दो, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन से लेके आज तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आया डब्लू, मेरे दोस्त, ये तुमने क्या किया? हमारे दोबारा मिलने की खुशी में चलो पार्टी करते हैं। आया क्यूँकी पार्टी तो करेंगे ही, पहले तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर लूँ। आज मेरे दोस्त की पार्टी है, पार्टी तो बनती है। इनकी बचपन की दोस्ती देख के मेरा दिल तो भर आया। मेरे भूख का निवाला छीन लिया। ओए भूख लगी है तो मुक्का खा। बोले तो दोस्तों जल्दी बाहर आ जाओ भाई। मैडम जी लो, आखिरी पेच भी ठीक कर दिया। इस नाचीज के लिए और कोई हुक्म? हाँ मैडम जी। मेरा पीछा मत करना। बोले तो ये कभी नहीं सुधरेंगे भाई। मैडम जी को पढ़ते वक्त डिस्टर्ब मत कर। डोंट वरी यार, मरीना को मैं बुक के साथ खाऊंगा ताकि पेट में भी वो आराम से पढ़ सके। इनकी तू तू मैं की वजह से मरीना हवा हो गई। ओए, मैडम जी को बचाना होगा। अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में हमारी गेम की हवा निकाल दी। आई अब डिस्को में जाकर गाना गा। ऊ ला ला ला। बाहर निकाल, तेरी आंखें अभी ठीक करता हूँ।
जरा मैं देखता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से मैं टिम्बक्तू के लिए रवाना हो जाऊंगा। क्या चीज है, कपड़ों से तो कोई डांसर लगता है। ये सभी अंगों से सेफ है, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसमें तुम खुद की शक्ल देख सकते हो और साथ में कॉटन वाली हरकतें भी कर सकते हो। ऐसे देखा तुमने, आओ और भी मजा आएगा, क्यों ना एक सेल्फी हो जाए। अंकल पोज अच्छी थी। ये तो सोने की तरह चमक रहा है, चेक करके देखता हूँ। ये तो नकली सोना है, मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वैसे आइलैंड तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो देखते ही पसंद आ जाए। वो मिल गई मेरी जल परे। इसे शहर ले जाकर मैं इसका शो रखूंगा। ये मेरे शहर पर परफॉर्म करेंगे, लोग खुश होंगे, तालियां बजाएंगे, और शो हो जाएगा सुपर हिट। मरीना बन जाएगी सुपरस्टार और मैं हो जाऊंगा माला माल। शहर को मैं तेरे हाथों में आने वाला नहीं यार। ये मरीना को कहाँ लेके जा रहा है? मैं चला मरीना को बचाने। उसकी जरूरत नहीं, तू बस देखता जा। काम का डिस्टर्ब कर दिया। चलो चल के देखते हैं। भाई साहब पीटने में मैंने अपने कोई कंजूसी तो नहीं की ना? इसे अपने साथ ले जाने के लिए गिफ्ट्स देकर ले जाना होगा। हमारे इलाके में आके लड़की को छेड़ता है, तुझे खर्चा पानी देना ही चाहिए। लगता है इस बार इसे सारी ईएमआई एक साथ ही मिल गई। यूके, इतनी बड़ी दुनिया छोटे से मैप में कैसे ड्रॉ की होगी? मिल गए इसके दिमाग के ताले के चाबी। इस बार नो खर्चा पानी, नो ईएमआई। आखिरकार ये कर क्या रहा है? गया फिर से हिसाब पूरा करने। ये क्या है? पूरी दुनिया, मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। सच में? यस प्रिंसेस, आपके लिए जहाज तैयार है। मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। इस बार भी खाली हाथ नहीं, मैडम जी भी साथ है। रुक जा मैडम जी, ये लुटेरा है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। अच्छा नाटक कर लेते हो, इन जोकरों को कौन समझाए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सोचे मत भागो। आपका इस जहाज में स्वागत है प्रिंसेस। सॉरी जेंटलमैन, जहाज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हमें ऊपर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। चल मेरी धन्नो। योगी धन्नो की लगान मेरे हाथों में होनी चाहिए, तुम्हारे नहीं। मैं धोखा देके मैडम जी को लेकर चला गया। यहाँ सिर्फ मेरा जोर चलता है। यह देखो, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तुम्हारा शो करवाऊंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। सड़े हुए बैंगन, तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। लगता है मैडम जी का फोन आया है। मैडम जी की जान मुश्किल में है, उस चोर का बंदोबस्त करना होगा। बिना करंट का तार यहाँ भी पहुँच गया। अरे तूने इनके साथ बंगा लेकर मुसीबत को दावत दी है। लड़ाई के वक्त मुझे कॉमेडी पसंद है। ओए, मुझे भी तेरे से बंगा नहीं पाना। बचाओ, इसने मेरी नाक काट दी। तुम तो हीरो हो। इतना प्यार देख के मेरी आंखों में तो आंसू आ गए यार। इन दोनों में खिंच चुकी है नॉन स्टॉप जंग, पता नहीं किसकी किस्मत में होगा जीत का रंग।
बस बहुत हो चूहे बिल्ली का खेल। ओए मार डाला रे। निकल गए सारी हकड़िया। शेरको को भी अभी हारना था। एक तरफ है मरीना और एक तरफ है शेरको को बचाना। सिर्फ दोनों में से एक को है चुनना। You carry on guys, मैं तो बस सोस लेने आया था। और सिर के बच्चे मौके का फायदा उठा रहा है। ये आवाज कैसी? कौन है रे? डॉक्टर ऑफ इंडियन ह्यूमन। मैडम जी, थैंक यू। क्या बात है, मेरा दोस्त बच गया। धोखेबाज। मैं तो मजाक कर रहा था यार। बाय बाय मेरा भैया, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हमने विलन को ठिकाने लगा दिए यार। लेकिन असली विलन तो अभी बाकी है। चल इस बॉल को गोल करते हैं। लेकिन ये बॉल तो पहले से ही गोल है यार। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। बुरा नहीं है।